नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का क्या काम है, कैसे यूज करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिनारेस्ट टैबलेट, जिसकी मार्केट प्राइस फ्रेंड्स 50 रुपये है और 50 रुपये में 10 गोली मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है और बहुत ही प्रचलित दवा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सिनारेस्ट टैबलेट का उपयोग सर्दी, जुखाम, बुखार, दर्द, इन सब को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, सर्दी जुखाम को ठीक करने की ये बहुत ही अच्छी दवा है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इस टैबलेट के कंटेंट के बारे में। तो इसमें पैरासीटामॉल, फेनिलफेरिन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनिरामाइन मिलिएट होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है और बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इस टैबलेट का। फ्रेंड्स, सिनारेस्ट टैबलेट के डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति से सुबह और शाम ले सकते हैं या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सिनारेस्ट टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट वैसे तो बहुत ही कम है, लेकिन किसी किसी को जी मसलना, उल्टी की समस्या, पेट में गैस बनना, चक्कर आना, त्वचा पे दाने निकलना, त्वचा में खुजली होना, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट को लेने के बाद अगर ऐसी कोई समस्या हो तो इसका सेवन बंद करके अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी सिनारेस्ट टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।